शोरगुल होगा है? पूरे दिन के लिए जान का अच्छा शोरगुल होगा है? पूरे दिन के लिए जान का अच्छा। कैमरे में कैद संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ल और उपसभापति के बीच हुई यह बातचीत कई सवाल खड़े करता है। आप एक बार फिर सुनिए कि राजीव शुक्ल ने चुपके से उपसभापति पीजे कुरियन से क्या कहा। शोरगुल होगा पूरे दिन के लिए जान का अच्छा। सुना आपने, राजीव शुक्ल उपसभापति से कह रहे हैं कि अगर ज्यादा हंगामा हो गया तो सदन स्थगित कर दीजिएगा। संसद के दोनों सदनों में कोयला आवंटन घोटाले को लेकर हंगामा चल रहा है। बीजेपी प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही। इसी हंगामे से बचने के लिए संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उपसभापति को ये सलाह दे दी। पूरे दिन के लिए अच्छा। पूरी घटना हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। राज्यसभा में सभापति हामिद अंसारी ने पीजे कुरियन को नए उपसभापति बनने की बधाई दी और उन्हें सभापति की कुर्सी पर बैठने के लिए बुलाया। जैसे ही कुरियन कुर्सी तक पहुंचे, राज्यसभा में मौजूद सांसदों ने तालियां बजाई और फिर संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ल सभापति की कुर्सी तक पहुंचे और उनके कान में ये बात कही। इसके ठीक बाद प्रधानमंत्री ने भी कुर्सी के पास आकर पीजे कुरियन को इस सम्मानजनक पद पर चुने जाने की बधाई दी। इसके बाद जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के सांसद प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद वही हुआ जैसा कि राजीव शुक्ल ने उपसभापति से कहा था। हंगामे के दो मिनट बाद ही राज्यसभा स्थगित कर दी गई। Well, I adjourn the house to meet tomorrow at 11 AM. और इस तरह सरकार के एक मंत्री ने संवैधानिक पद पर बैठे वरिष्ठ सदस्य को आदेश देकर राज्यसभा स्थगित करवा दी। कोई इसमें खास बात नहीं है। अगर सदन में बहुत शोर हो रहा है, विपक्ष सदन नहीं चलाने दे रहा, तो हम अपनी ओपिनियन हमेशा चेयर को दे सकते। कोई मेरी राय में होना चाहिए, इसके बाद चेयर के ऊपर, चेयर सुप्रीम है, जो फैसला चेयर लेना चाहे लेने। हम तो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, जैसे विपक्ष के भी लोग आके अपनी ओपिनियन देते हैं, कोई नई बात है नहीं। क्या दोनों साइड से आते हैं, आज भी हमको दोनों साइड से सुझाव मिला, लेकिन चेयर इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं। जो प्रक्रिया संबंधी नियम है लोकसभा का, तो स्पष्ट है, जो 349 नियम है उसका 13वां अंश देखिए, तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी मेंबर, और मेंबर इंक्लूड्स मिनिस्टर, कोई भी मेंबर या मिनिस्टर चेयर के पास जाकर कोई बात नहीं कर सकता, चेयर को अप्रोच नहीं कर सकता जब हाउस की मीटिंग चल रही है। अगर इसका वायलेशन होता है तो वो क्लियरली वायलेशन है। आज कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हुई। जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री, जिनका काम है कि संसद चले ये देखना, लेकिन वही खुद सभापति को सलाह दे रहे कि संसद भंग करो दिन भर के लिए, तो काम कौन नहीं कर दे, चलने दे रहा है संसद का, या जनता के सामने कांग्रेस का सही रूप आ गया। Now, careless whisper in Rajya Sabha has created political outrage. The Minister of State for Parliamentary Affairs was caught on camera whispering to the chair of the Rajya Sabha, P.K. Kurian, to adjourn the house. There is too much chaos. And within 2 minutes, the house is adjourned. Congratulations. Thank you very much. Papers to be laid on the table, Srimati Jayanti Nagaraj. इसमें क्या कोई इसमें खास बात नहीं है। अगर सदन में बहुत शोर हो रहा है, विपक्ष सदन नहीं चलाने दे रहा, तो हम अपनी ओपिनियन हमेशा चेयर को दे सकते। कोई मेरी राय में होना चाहिए, इसके बाद चेयर के ऊपर, चेयर सुप्रीम है, जो फैसला चेयर लेना चाहे लेने। हम तो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं ना, जैसे विपक्ष के भी लोग आके अपनी ओपिनियन देते हैं, कोई नई बात तो नहीं। सम एक्चुअली सीम टू सजेस्ट दैट देयर वाज हार्डली एनी टाइम बिटवीन मिस्टर राजीव शुक्ला टॉकिंग टू यू एंड यू एक्चुअली सेइंग यस। इट इज नॉट लाइक दैट। आई हैड इवन बिफोर दैट गॉट व्यूज फ्रॉम अदर मेंबर्स फ्रॉम द ऑपोजिशन साइड ऑल्सो दैट
we will not allow the house, we will not allow the house for the whole day, whatever you say. So it is better to adjourn. I got that suggestion. So I was considering that.